मारुति सुजुकी इंडिया में टिन के डब्बे बना रही है, सेफ्टी रेटिंग 0 स्टार 1 स्टार लेकर आ रही है। हम लोगों की यही शिकायत रहती है मारुति से, रहती है ना। फिर मारुति ने थोड़ा सा सुना, वो अपनी डिजायर लेकर आए। अब डिजायर को जब क्रैश टेस्टिंग के लिए भेजा गया तो वो 5 स्टार ले आई। अब हमारी नई शिकायतें शुरू हो गई कि ये गाड़ी की जो रेटिंग है वो फेक है। मारुति सुजुकी ने पैसे दिए हैं जी एनकैप को, ग्लोबल एनकैप को, ताकि उसको 5 स्टार रेटिंग मिल जाए। क्यों? उसके पीछे रीजन भी दिया जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मारुति सुजुकी की स्विफ्ट लॉन्च हुई थी, यूरो एनकैप में उसको टेस्ट किया गया, वहां पर उसको सिर्फ 3 स्टार रेटिंग मिली है। तो ये क्या घोटाला चल रहा है? वहां पर 3 स्टार रेटिंग मिल रही है, यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग मिल रही है। फिर ये सबूत ये बताया गया कि अगर ग्लोबल एनकैप को पैसा ना दिया जाए, मतलब स्पॉन्सर ना किया जाए उस टेस्ट को, तो 5 स्टार रेटिंग कोई भी गाड़ी लेकर नहीं आ सकती है। ज्यादा से ज्यादा उसको 4 स्टार ही मिल सकते हैं, और ये सच्ची बात भी है। तो ये क्या सच्चाई है इसमें? क्या वाकई मारुति ने फेक रेटिंग दी है, फेक रेटिंग हमें दिखाई है, खरीद लिया है? उन सब की थोड़ी सी हम बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइव। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी यूरो एनकैप में जो इनकी नई स्विफ्ट 2024 में लॉन्च हुई थी उसकी टेस्टिंग हुई, तो वहां पर उसको 3 स्टार मिले, इसको 5 स्टार कैसे मिल सकते हैं? सेम बॉडी शेल है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम चेसी है, तो थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। यूरो एनकैप का जो स्टैंडर्ड है क्रैश टेस्टिंग का, वो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं, हम मान सकते हैं। दूसरा उनका तरीका क्या है, देखिए वो 3 स्टार रेटिंग देंगे, 4 देंगे 5 देंगे 2 देंगे। आप जी एनकैप में देखेंगे वहां पर हमें 2 रेटिंग दिखती हैं, एक एडल्ट्स के लिए, एक बच्चों के लिए। तो कोई गाड़ी हो सकता है 5 स्टार रेटिंग एडल्ट के लिए लेकर आई है, बच्चे के लिए 3 लेकर आई है, फिर भी उसको 5 स्टार गाड़ी बोला जाता है, बच्चे की उसमें ऐड नहीं की जाती है। यूरो एनकैप क्या करेगा, हो सकता है किसी गाड़ी ने एडल्ट के लिए 5 स्टार लिए हैं, बच्चे के लिए 3 स्टार रेटिंग ली है, तो उस गाड़ी को अब 4 स्टार बोला जाएगा। मतलब सेम रेटिंग के लिए जी एनकैप उसको 5 बोल रहा है, यूरो एनकैप उसको 4 बोल रहा है, तो एक तो डिफरेंस यहीं पर आ गया है। दूसरा आप देखिए, यूरो एनकैप जो है ना, उनकी टेस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, वो थोड़े से ज्यादा प्रोसीजर और फॉलो करते हैं। अब वहां पर जो स्विफ्ट टेस्ट हुई थी उसके लिए उनके कमेंट में लिखा गया था, जो इसका ई कॉल सिस्टम है, इमरजेंसी कॉलिंग सिस्टम है, गाड़ी कहीं टकरा जाती है अपने आप वो इमरजेंसी में जो है कॉन्टेक्ट करती है, वो यूरो एनकैप के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है ही नहीं। मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है ये चीज इसमें होनी चाहिए, जी एनकैप में इस टाइप का कोई सिस्टम है ही नहीं। ये है या नहीं है उससे रेटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस स्विफ्ट में वो चीज है लेकिन उस स्टैंडर्ड की नहीं है, उस वजह से उसके नंबर कटे हैं। यहाँ पर गाड़ी में हो ना हो उससे नंबर कटने का कोई चांस नहीं बनता है। तो इस टाइप की चीजें भी आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो यूरो एनकैप है ना, उनके स्टैंडर्ड थोड़े से ज्यादा हाई हैं और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर उन्हीं स्टैंडर्ड पर हम डिजायर को भी टेस्ट करेंगे तो शायद ये भी 3 स्टार ही लेकर आएगी। तो ग्लोबल एनकैप जिस हिसाब से करता है, या बाकी गाड़ियां जहां पर टेस्ट हुई हैं, टाटा की गाड़ियां हुई हैं, महिंद्रा की गाड़ियां हुई हैं, वो भी इसी हिसाब से 5 स्टार लेकर आई हैं जिस हिसाब से डिजायर लेकर आई है। अब थोड़ा सा टेक्निकल और समझ लेते हैं। तो बॉडी शेल है, सबसे पहले गाड़ी को टकराने से बचाने के लिए, एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए कुछ फीचर दिए जाते हैं, ABS है, EBD है, ESC है, ब्रेक असिस्ट है, ताकि हमारी गाड़ी संभल सके, क्रैश इसका ना हो, लेकिन बाई चांस टकरा जाती है कहीं पर। उसके बाद काम करते हैं इसके एयर बैग है, बॉडी शेल है। बॉडी शेल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गाड़ी जहां पर आप बैठे हैं वो कैबिन इंटैक्ट रहता है, वो कहीं पर दबता नहीं है, आप उसमें फंसते नहीं है, जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है वो हमारी छाती पर आकर टकराता नहीं है, हमारा सिर उसमें नहीं जाता है, तो अगर वो सब चीजें ठीक हैं तो मतलब गाड़ी काफी अच्छी है। पहले जो डिजायर का क्रैश टेस्ट हुआ था, इससे पहले जो डिजायर थी उसको 2 स्टार इसी वजह से मिले थे क्योंकि उसकी बॉडी शेल जो है अनस्टेबल थी। अभी जो स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट हुआ यूरो एनकैप में, उसकी बॉडी शेल भी स्टेबल मिली। जो डिजायर का क्रैश टेस्ट हुआ है उसकी बॉडी शेल भी स्टेबल मिली है, वो काफी बड़ी बात हो जाती है। वो हुआ किस वजह से है? अब देखिए, एक और चीज हमें देखनी है, जेड सीरीज के जो नए इंजन है वो आए हैं डिजायर में भी और स्विफ्ट में भी, वो होते हैं 3 सिलेंडर इंजन। पहले इसमें आते थे 4 सिलेंडर इंजन। अब 4 सिलेंडर इंजन जो है वो भारी होते थे 3 सिलेंडर इंजन के मुकाबले, लगभग 50 से 60 किलो। मतलब जो ये वाली डिजायर है उस वाली डिजायर से 50 से 60 किलो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये गाड़ी का जो वजन है पुराने वाले डिजायर से लगभग 50 से 60 किलो ज्यादा है। एक तो ये वजन ज्यादा है, प्लस जो इंजन का वजन घटा है उसके बावजूद भी ये ज्यादा है। मतलब पुराने वाली से लगभग ये गाड़ी आप मान सकते हैं 100 से 120 किलो ज्यादा है। वो 120 किलो कहाँ गया है? वो गया है बॉडी स्ट्रक्चर में। जो इसका
बॉडी शेल बनी हुई है, जो इसकी चेसी बनी हुई है, उसको थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है मारुति की तरफ से। उस वजह से अब जो इसकी बॉडी शेल है वो स्टेबल है, वो पिचक नहीं रही है, और उसी वजह से ये गाड़ी 5 स्टार लेकर आने में कामयाब रही है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, पैसे वाला क्या सिस्टम है? और वो तो सच्ची बात है, वो तो खुद जीएन कैप ने भी माना है, अगर कोई भी कंपनी हमें स्पॉन्सर नहीं करती है, देखिए कोई भी क्रैश टेस्ट करने के लिए ना करोड़ों रुपए लगते हैं, गाड़ियां भी जाती हैं, टेस्टिंग में भी पैसा लगता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ग्लोबल एनकैप का कहना है, अगर ये क्रैश टेस्ट हम खुद अपने पैसे से करेंगे तो गाड़ी बेशक 5 स्टार के लायक है, बेशक वो 6 स्टार के भी लायक है, लेकिन वो 4 स्टार से ज्यादा नहीं ला सकती है। मतलब अगर किसी कंपनी ने वो करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए हैं, मारुति ने गाड़ी भेजी, मारुति ने करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए हैं, तो मारुति की गाड़ी बेशक 5 स्टार के लायक है, उसको 4 स्टार से ज्यादा नहीं मिलेंगे। टाटा ने अगर इस टाइप का खर्चा नहीं किया तो टाटा की कोई भी गाड़ी अगर 5 स्टार के लायक है, 4 स्टार ही से ज्यादा उसको नहीं मिलेंगे, महिंद्रा को भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आज तक जितनी भी गाड़ियों ने जी एन कैप में, ग्लोबल एन कैप में, चाहे वो मारुति है, चाहे टाटा है, चाहे महिंद्रा है, चाहे स्कोडा है, कोई भी है, जिसको भी 5 स्टार मिले हैं ग्लोबल एन कैप की तरफ से, उन सभी ने उस टेस्ट को स्पॉन्सर किया है। तो मारुति पर ये इल्जाम लगाना कि मारुति ने पैसे दिए हैं तब इनको 5 स्टार मिले हैं, वो गलत है। वो हर किसी ने पैसे दिए हैं तब उनको 5 स्टार मिले हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ी सी और समझनी होगी, तब चीजें क्लियर हो जाती हैं। जीएन कैप का कहना क्या है कि अगर आपकी गाड़ी 5 स्टार के लायक है और आप पैसा भी दे रहे हैं, मतलब आप उस टेस्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी को पूरे 5 स्टार मिल जाएंगे। अगर वो 5 स्टार के लायक है, आपने पैसा नहीं दिया है, तो आपको 4 स्टार ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ग्लोबल एनकैप ये नहीं कहता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी 4 स्टार के लायक है, आपने पैसा दिया और तब हम उसको 5 स्टार दे देंगे, ऐसा कभी नहीं है। आपकी गाड़ी 5 स्टार के लायक है तो ही 5 स्टार मिलेंगे, स्टार आपके कम हो सकते हैं पैसा ना देने की वजह से, लेकिन पैसा देने की वजह से स्टार रेटिंग बढ़ेगी नहीं कभी भी। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ज्यादा समझने की बात है, और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। मतलब पैसा देने से ना रेटिंग नहीं बढ़ रही है, ना देने से घट जरूर सकती है। तो मतलब अगर डिजायर 5 स्टार रेटिंग लेकर आई है तो वो डिजर्व करती थी, उसमें बॉडी स्ट्रक्चर में वो चीजें, इंजन का वजन कम किया गया है, वो पैसे बचे हैं वहां से, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो उसको थोड़ा सा स्टेबल किया गया है, वहां पर और भी ज्यादा चीजें ऐड की गई हैं। फिर एक और बड़ी बात मान लेते हैं, एक टाइम को मान लेते हैं कि पैसा देकर ना रेटिंग्स खरीदी जाती हैं, तो डिजायर कितनी यूनिट बिकती हैं? देखिए वैसे तो टॉप 10 में रहती है, 10,000 से ज्यादा यूनिट बिकती हैं इस गाड़ी की, लेकिन ज्यादातर वो टैक्सी में बिकती हैं, प्राइवेट यूज के लिए। सेडान्स का टाइम अभी मंदा चल रहा है तो वहां पर वो गाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं बिकती हैं, और नई गाड़ी जो नई डिजायर आई है, मारुति ने बोला है उसको हम टैक्सी में नहीं बेचेंगे, उसको हम प्राइवेट मतलब घरेलू यूज के लिए बेचेंगे, वहां पर उनकी इतनी ज्यादा सेल नहीं आने वाली है। तो सेडान सेगमेंट की गाड़ी जिसको वो टैक्सी में भी नहीं बेचना चाह रहे हैं, उस गाड़ी को पैसा देकर 5 स्टार घोषित कराना मेरे हिसाब से कहीं की कोई समझदारी नहीं है। अगर मारुति को ऐसा कुछ करना होता तो हो सकता वो अपनी स्विफ्ट के साथ करते, हो सकता वो अपनी ब्लेनो के साथ करते, हो सकता वो फ्रोंक के साथ करते, मतलब इनकी क्रैश टेस्टिंग कराते, पैसा देते ग्लोबल एनकैप को और बोलते आप इनको दो ना 5 स्टार, क्योंकि वो तीनों एक ही कैटेगरी में आ जाती हैं लगभग। अगर स्विफ्ट सेफ है तो ब्लेनो को, फ्रोंक्स को माना जा सकता है, और इवन ब्लेनो को या फ्रोंक्स को, दोनों में से किसी एक को भेज देते तो ब्लेनो और फ्रोंक्स दोनों का ही जो है वो भला हो जाता, दोनों ही गाड़ियां सेम ही तो है, सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा डिजाइन ही तो चेंज है। तो मेरे हिसाब से जो ये रेटिंग है ना, आप इनको थोड़ा सा यकीन कीजिए, ऐसा मत कीजिए कि टाटा और महिंद्रा की गाड़ियां हैं तो बढ़िया है, मारुति ने किया है तो क्रैश टेस्टिंग या जीएन कैप को खरीद लिया है। सबसे ज्यादा गाड़ियां मारुति ही खरीद रहे हैं, मारुति हमारी इतनी ज्यादा बात सुनने के बाद फाइनली कोई प्रोडक्ट लेकर आई है जो सेफ है, मतलब आने वाले टाइम में और भी ज्यादा वो सेफ लेकर आएगी। अगर इस तरीके से हम मारुति को बोलेंगे ना कि नहीं यार, मतलब पहले वो ला नहीं रहे थे तो सुना रहे हैं, अब वो ले आए हैं तो भी सुना रहे हैं, तो मारुति बोले इससे तो बढ़िया हम लेकर ही ना आए, क्यों अपना ज्यादा खर्चा किया। तो मेरे हिसाब से तो रेटिंग सही है, या तो सभी की सही है जिसको मिल रही है, या किसी की भी सही नहीं है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है, फेक है, ठीक है, या क्या कुछ हो सकता है, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, फ्री हैं आप, जैसे आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। बाकी इस टाइप के और वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।